पुलवामा हमले को आज एक वर्ष बीत गया और आज हमले की पहली बरसी पर उत्तराखंड विधानसभा में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पौधारोपण से पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पुलवामा हमले में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया, वहीं शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। विधानसभा अध्यक्ष ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार से मांग की। वहीं दूसरी ओर शहीद मेजर चित्रित बिष्ट के पिता ने बेटे की याद में गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात कही है। तमाम अमर शहीदों के याद में आज यहाँ विधानसभा परिसर में वृक्षारोपण कर उनको श्रद्धांजलि दी है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वतन से मोहब्बत वो इस कदर निभा गए, मोहब्बत के दिन वतन पर जान लुटा गए, ऐसे अमर शहीदों को मैं नमन करना चाहूँगा। और आज मैं नहीं, आज हमारा पूरा प्रदेश और पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। सरकार को उनके लिए करना है, एक परिवार के नाते हम क्या कर सकते हैं। हमने तो अपने पुत्र के लिए स्कॉलरशिप घोषित की है, 11 बच्चों को जो हाई स्कूल में प्रथम आएंगे गरीब तबके के, उनको 10,000 रुपये पर मंथ पर ईयर, और पूरे प्रदेश के लिए, और 11 बच्चे जो हमारा जिला अल्मोड़ा है वहाँ के लिए।